तो मैं कहना चाहूंगा कि जमी आत्मा को मिलाने की सोचो और सूखी रेत में दरिया बहाने की सोचो। जमी आत्मा को मिलाने की सोचो, सूखी रेत में दरिया बहाने की सोचो। आदमी खुद ब खुद बदल जाएगा, आदमी खुद ब खुद बदल जाएगा। पहले आप अपने आप को बदल के तो देखो, पहले आप अपने आप को बदल के तो देखो। आज ही विक्रम भाई ने छेड़ी है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पाना है कुछ तो बेईमानों का लाश बदल दो। अंधेशक साथी, पहले तो अंधेशक एकता जिंदाबाद सुना, अंधेशक एकता जिंदाबाद, अंधेशक एकता जिंदाबाद। विक्रम जी संघर्ष करो, विक्रम जी संघर्ष करो, विक्रम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो मुहिम कहते हैं अनुदेशक एक ऐसा पद है, ऐसा नाम है, और ये 10 सालों से जो यातना की जिंदगी जी रहा है, काम पूरा पर दाम अधूरा, काम पूरा दाम अधूरा, योगी जी ये बिल्कुल चलेगा नहीं, क्योंकि हमारा साथी हमारा लीडर वो आग है जो पानी को पानी में आग लगाने की दम रखता है। हम अंधेशक साथी इन 10 सालों में कभी हमसे झूठ बोला जाता है, हम तुम्हारा मानदेय नियत कर देंगे, हम तुम्हारा वेतन बढ़ा देंगे, हम तुम्हें सीसीएल दे देंगे, हम तुम्हें मैटरनिटी दे देंगे, पर हासिल कुछ नहीं। धिकार तो उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के दूर दराज विद्यालयों ग्राहकों से आज भारी संख्या में लखनऊ की सरजमी पर इको गार्डन में अपनी तमाम मांगों को लेकर के एकत्रित हुए हमारे सभी अनुदेशक साथी मित्रों, मैं लखीमपुर जनपद का रहने वाला हूं, सचिन दीक्षित के नाम से मेरा नाम है, और आज जो पीड़ा जो वेदना जीवन में लेकर के हम इको गार्डन में एकत्रित हुए हैं वो हम आपसे छिपी नहीं है, न ही सरकार से छिपी है। 2013 में जो हमारी नियुक्ति हुई उस समय न्यूनतम वेतन मान 7,000 रुपए था, न्यूनतम वेतन मान पर हमारी नियुक्ति हुई थी, जो उस समय न्यूनतम था, मिनिमम था। और आज न्यूनतम वेतन मान 24,000 रुपए है, लेकिन हमें 17,000 के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज 8 साल से हम न्यायालय के दरवाजों को खटखटा रहे हैं, और ये बेशर्म सरकार 9,000 रुपए पाने वाले अनुदेशकों के लिए प्राइवेट वकील वहां पे खड़ा कर रही है हमें हराने के लिए। इतना दुखदाई है, इतनी वेदना, इतना दर्द, इतनी पीड़ा हम सबके दिलों में है कि हम रोना भी चाहे तो नहीं रो पा रहे हैं। अभी तो हम ही दो देखे हैं। हम लोगों को परिवार चलाना मुश्किल हो गया। आज 2013 में जो लोग हमारे साथी, चाहे हमारी महिला साथी रही हो या हमारे नौजवान साथी रहे हो, 25, 22, 27, 30 साल तक जो जाग पाए थे, आज वो ओवर एज हो रहे हैं। तमाम साथी हमारे ओवर एज हो गए, जो किसी नियुक्ति में किसी भी भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ये दोष किसको जाता है? इस सरकार ने हमारा शोषण कर लिया। 11 वर्ष हो गए, और इन 11 वर्षों में बढ़ाने की बजाय हमारा मानदेय कई बार कम किया गया, रिकवरी की गई। तो मित्रों, बहुत लंबे अंतराल के बाद इस धरना का आह्वान हुआ है, और बड़ी हिम्मत के साथ आप पर विश्वास करके, पूरे प्रदेश के 26,000-27,000 अनुदेशकों पर विश्वास करके, इस पर सभी अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन ने ये धरना रखा है। तो ये अनिश्चितकालीन चलने वाला सत्याग्रह है, इसमें आप लोग सहयोग करिए, और ये जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? योगी जी कब तक जुल्म करेगा? संघर्ष हमारे बड़े
तेजस्वी प्रदेश अध्यक्ष आप विक्रम भाई जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा, आगे और भी बात करूंगा। जिंदाबाद स्थान ग्रहण करें। ऐसे उधर उधर बैठे हैं लोग। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अभी बैठने की और व्यवस्था आ रही है, आप लोग स्थान ग्रहण करें। बैठिए बैठिए सब लोग। सत्याग्रह आंदोलन में आए हैं आप सभी लोग, धैर्य बनाकर बैठिए। अभी बैठिए। मैं आज अध्यक्ष महोदय और तमाम हमारे इस मंच पर मौजूद है, आपके लिए विचारणीय प्रश्न है मेरे साथियों कि सौ संख्या तक अनुदेशक रखने का प्रावधान है, जैसा हमारा जो एनसीसी की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में है कि सौ संख्या के बाध्यता पर, सौ संख्या के पूर्ण होने पर तीन अनुदेशकों की नियुक्ति निश्चित है, और सौ संख्या से संख्या जैसे ही 99 हो जाती है तो आपका नवीनीकरण आपके कैरेक्टर पे एक प्रधानाध्यापक का और प्रशासन का, शासन का जो भी उत्पतांग पर है हम सभी पर लागू कर दिया जाता है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, और हमारे अध्यक्ष महोदय भी इस बात को सुन रहे हैं कि जैसे कि सौ संख्या पे, सौ संख्या के कम होने पर जैसे ही संख्या 99 हो जाती है तो हम सभी का रिन्यूअल रोकने के लिए बीएसए का और डीएम का अनुमोदन मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है शासन द्वारा। लेकिन क्या आप कभी ने सोचा है कि जैसे ही संख्या 200 हो जाती है तो क्या ये 6 अनुदेशक रखते हैं? निर्देशक रखते हैं? नहीं रखते। तो मैं अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूंगा कि आप जज के पास जाइए, आप उनसे कहिए कि जब 100 संख्या से 99 संख्या हो जाती है तो आप नवीनीकरण रोकने का या संख्या बढ़ाने का फरमान जारी करते हो, लेकिन जैसे ही संख्या 200 के पार होती है तो क्या आप वहां 6 अनुदेशकों की नियुक्ति करते हो? 200 की संख्या पूरी हो तो ही 201 पे आपको, जब आप 100 संख्या